हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सिस्टम के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से कैसे कर सकते हो। अगर आपका सिस्टम स्लो काम कर रहा है, आपके सिस्टम का मेमोरी, सीपीयू या फिर डिस्क ये सही से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो आप उसके परफॉर्मेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि आप अपने सिस्टम को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, आप अपने सिस्टम का रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हो टेक्निकल ज्ञान। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, सिस्टम का रिसोर्स कहने का मतलब कि आपके जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को आप कैसे बूस्ट करोगे। आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है आपके सिस्टम के रिसोर्स पे, लाइक कि आपके सिस्टम का रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू यूटिलाइजेशन, इथरनेट यूटिलाइजेशन, ये सब किस तरह से आप यूटिलाइज करते हो, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, इन सारे चीज पे आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने रैम को आप कैसे बूस्ट करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करो, कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप के बटन को एक साथ प्रेस करो, या फिर टास्क मैनेजर को आप जैसे ओपन करते हो इसे ओपन कर लो। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद आप यहाँ पे स्टार्टअप का टैब मिलेगा आपको, थर्ड नंबर पे यहाँ स्टार्टअप के टैब पे आप क्लिक कर देना। स्टार्टअप के टैब पे जैसे क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग में जो भी प्रोग्राम, जैसे आप सिस्टम स्टार्ट होता है आपका, उस टाइम में जो भी प्रोग्राम आपका रन करता है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो कि अनवांटेड प्रोग्राम है, जिसकी ज़रूरत आपको नहीं होती है। ऐसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है उस टाइम में ये प्रोग्राम्स रन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपके सिस्टम के रैम को कंज्यूम कर लेता है। तो आप इसको यहाँ से डिजेबल करके आप अपने रैम के यूटिलाइजेशन को बूस्ट कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो स्काइप का मुझे स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे मैनुअल कर सकता हूँ जब ज़रूरत पड़ेगा मुझे। तो स्काइप पे राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इसे डिजेबल कर दूँगा। इस तरह के आप अपने सिस्टम में जो भी स्टार्टअप प्रोग्राम जिसका आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, उन सारे स्टार्टअप प्रोग्राम को आप यहाँ से डिजेबल कर लीजिए। तो आप इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो रैम कंज्यूम होता है अनवांटेड सॉफ्टवेयर रन होने से, वो आपका रैम कंजप्शन कम हो जाएगा और आपका रैम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सेकेंड में आप अपने डिस्क को किस तरह से यूटिलाइज करोगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी आपका हार्ड डिस्क है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, उसको कैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे। तो फ्रेंड, आप अपने डिस्क के यूटिलाइजेशन को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, इसके लिए आप यहाँ सर्च बॉक्स में जाना, यहाँ टाइप करना डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव, और यहाँ जो आपको इस तरह का एक प्रोग्राम दिखेगा इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपने हार्ड डिस्क को, आप अपने ड्राइव को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लाइक कि सी ड्राइव पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज के टाइप पे क्लिक कर दो। उसी तरह से डी ड्राइव पे आप क्लिक करके यहाँ इसको ऑप्टिमाइज कर दो। आप यहाँ देखोगे कि ये करेंट स्टेटस 28% एनालाइज्ड, इस तरह से आपका डिफ्रेगमेंट होता रहेगा। इसके अलावा आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो, यहाँ पे शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन, इसको आप यहाँ टर्न ऑन पे क्लिक करके इसको शेड्यूल कर लो। आप इसको वीकली रखना चाहते हो या फिर डेली रखना चाहते हो या मंथली, तो मैं वीकली रख देता हूँ इसे, वीकली ये ऑप्टिमाइज करता रहेगा। तो इसको आप यहाँ चेक मार्क रहने देना और इसको ओके पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप अपने हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस को, डिस्क यूटिलाइजेशन को आप अपने सिस्टम में ऑप्टिमाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम के सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ सिस्टम के ऑप्शन में जाना, यहाँ सिस्टम के ऑप्शन में, उसके बाद आप यहाँ स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस स्टोरेज के ऑप्शन पे क्लिक करना। जो भी अनवांटेड स्टोरेज आपके सिस्टम में है, जो आपको ज़रूरत नहीं है जिसका, उसको यहाँ से आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जैसे आप रिमूव करोगे, आपके डिस्क का साइज स्पेस बढ़ेगा और आप अपने डिस्क का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हो। तो आप सबसे पहले ये जो ऑफ है इसको यहाँ से क्लिक करके ऑन कर देना। दूसरी बात, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके सिस्टम में टेम्पररी फाइल वो कितना स्टोर्ड है। तो आप टेम्पररी फाइल पे क्लिक कर देना, और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा।
कुछ कुछ टेम्प्ररी फाइल ऐसे होते हैं जो आपको एप्लीकेशन रन करने के लिए नीड होता है, बट कुछ ऐसे टेम्प्ररी फाइल होते हैं जो कि ऐसे अनवांटेड होते हैं, तो उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइक रिसाइकल बिन, इसको मैं डिलीट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ जो कुछ ऐसा लगे प्रोग्राम जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ क्लिक करके और यहाँ रिमूव फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ये उसको क्लीन कर देगा। इसके अलावा फ्रेंड, डिस्क यूटिलाइजेशन को फिक्स करने के लिए आप एक और सेटिंग कर सकते हो आपके सिस्टम में। अब जब भी देखोगे टास्क मैनेजर ओपन करके कि आपका डिस्क का हाई यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो आप क्या करना, सर्च बार में जाना, यहाँ पे CMD टाइप करना, CMD को आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे आपको टाइप करना है net.exe/stop/superfetch, टाइप करके इंटर प्रेस करना है। ऐसे ही आप इंटर प्रेस करोगे ना, आप देखोगे कि आपके डिस्क का यूटिलाइजेशन वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। नेक्स्ट बताता हूँ फ्रेंड्स कि आप अपने CPU के यूटिलाइजेशन को, CPU की परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। साथ ही साथ CPU के साथ ही साथ आप अपने नेटवर्क का यूटिलाइजेशन वो कैसे स्टेबल कर सकते हो, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको CMD ओपन करना है दोबारा से एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है services.msc एंड इंटर प्रेस करना है। जैसे आप services.msc खोलोगे, आपको ये एक सर्विसेज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस, ये आपको सर्च करना है। बिट्स शॉर्ट फॉर्म में कभी बिट्स भी लिखा हुआ आएगा, ये बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसके स्टार्टअप टाइप को डिजेबल्ड कर देना, यहाँ से डिजेबल्ड करने के बाद इसका सर्विसेज स्टॉप कर देना एंड यहाँ से अप्लाई एंड ओके। इस तरह से आप अपने नेटवर्क यूटिलाइजेशन या CPU यूटिलाइजेशन जो आपके सिस्टम का, उसको आप फिक्स कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये कुछ टेक्निक था जो आप अपने CPU में यूज़ करके अपने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हो, और ऐसा करके आप अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो, हम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही कमाल के ट्रिक्स हम आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।